सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही पक्षियों की आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है वैसे छत पर एकदम मज़ेदार। तो बाकी दोस्तों, आज मैंने पकड़ लिया था कोना, देखो ऐसे ये दीवार वाला कोना, और ये कच्चा पता नहीं कौन रख गया, होता है जस्ट इग्नोर। तो दोस्तों, आज का आप लोगों ने मेरे थंबनेल तो देखकर पता लगा ही लेगा कि आज के वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आया हूँ। सारा थंबनेल भी ऐसी चीज़ है ना कि वीडियो में, चलो उस बात को छोड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं आप भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाएं, बट आप लोगों में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस छोड़ो, आप सो लोगों से कैमरे में बात करते टाइम थोड़ी सी आपको शर्म आती है, कुछ इस प्रकार से ज्यादा हो गया। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही शर्म आती है तो ये वीडियो देख लो, इसके बाद आपको शर्म गई तेल लेना, कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, अब मैंने हाथ में पकड़ा हुआ ट्राइपॉड और लगाया हुआ है फोन और बैठा हुआ कोने में, ठीक है, और छत पर देखो, छत पर कोई भी इंसान फिलहाल के लिए तो नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऐसी जगह चूज़ करता हूँ ना जहाँ पर मेरे को अपने लोग ना देखें। जी हाँ, देखो अगर आप लोग भी अगर टेक वीडियोस बनाते हो तो जाहिर सी बात है कि कई बार बंदा होता है जिसे घर में अपने घर वालों से शर्म आती है, जो घर वालों के सामने वीडियो नहीं बना सकता है। चलो मैं उसकी बात समझता हूँ कि घर वाले भी फिर बोलेंगे क्या पागलों की तरह फ़ोन में लगा है, फ़ोन में अकेले बातें कर रहा है। मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, मतलब होती भी थी बट अब नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है कि मैं अगर कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है अगर मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो मेरे को लाखों दुनिया देखने वाली है, लाखों दुनिया। तो यही कहा था कि देखने से तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, मैं तो चलो अभी हूँ नहीं बट फिर भी मैं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो जो चीज़ मैंने सीखी है। दोस्तों मुझे एक साल लग गया यूट्यूब को सीखने में। अगर आपको कैमरे के सामने बोलने में शर्म आती है, आप लोग नहीं बोल पाते हैं, अगर आप व्लॉगिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आपको कैमरे के सामने बात करनी आनी चाहिए, अगर आप टेक वीडियोज़ बनाते हैं तब भी आपको कैमरे के सामने बात करनी आनी चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, टिप्स नहीं वगैरह वगैरह, जो मेरे हिसाब से लगता है ना, मेरा दिल कहता है जैसे जैसे मैं करता हूँ मैं वही बात आप लोगों को बताऊंगा, तो उसको सिंपल से ध्यान से समझना दिमाग से। तो सबसे पहली बात तो ये, बेशरम बन जाओ। अगर आप व्लॉग शूट कर रहे हो ना, अगर आप कर रहे हो तो या तो फिर आप घर में बता दो कि भाई मैं यूट्यूब बनाता हूँ या मैं ये ऐसे वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे को रोक टोक ना हो, मेरे को ज्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो अगर घर में बनाओगे तो कई बार होता है कई घर वालों को तो चलो पता कि बनाता है तो अगले नहीं बोलेंगे या अगले कुछ नहीं सोचेंगे, अगर जिसने पहली बार देखा तो वह यही बोलेगा भाई ये क्या पागलों की तरह लगा हुआ है, अकेले फ़ोन में बातें करी जा रहा है। अब मैं भी उधर आप सोच रहे हो इधर उधर क्यों देख रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं मेरे को कोई देख तो नहीं रहा। ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है जब हम नई नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो अब मैं देखो, अगर मैं व्लॉग बनाने जाता हूँ ना बाहर, मतलब मेरी बातों के बीच बीच में समझता रहना कि मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है ना। फिर मत कहना कि मैंने टिप दी, मैं टिप नहीं दूंगा, मैं अपनी बातों में समझाऊंगा, मेरी बातें समझ लेना ध्यान से, ठीक है ना। तो मैं देखो ऐसे करता हूँ, स्टार्टिंग में जब मेरे को शर्म वगैरह आती थी ना वीडियोज़ बनाने में, पहली बात मेरे घर में पता है सभी को, ठीक है, कि मैं वीडियो बनाता हूँ। जिस दिन मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना टेक वीडियो, उस टाइम पे ही मतलब कि थोड़ा जब पहली बार मेरे को हुआ था ना, मैं यार जब बात करता था कैमरे में, मैं यार बैक कैमरे से नहीं तब बात कर पाता था, जैसे कि लोग कहते ना कि बैक कैमरे से वीडियो बनाओ क्लैरिटी अच्छी आती है, जी हाँ, बट यहाँ क्लैरिटी की बात नहीं हो रही। मैं पता क्या करता था, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता था, फ्रंट कैमरा घुमा के कि हाँ जी हाँ मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से लगता था। मैं ऐसा नहीं सोचता था मैं खुद ही से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब लगता था मैं जी हाँ किसी से बात कर रहा हूँ, या फिर जैसे हम लाइव होते हैं तो जब हम इंस्टा या फेसबुक कहीं पर भी लाइव होते हैं तो हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आने लगते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं, मैं उसी प्रकार से करता था। स्क्रीन जब मेरे सामने होती थी मैं देखता था हाँ मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ, तो इस प्रकार से फिर मैं कहता था अरे यार मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैं बातें कर रहा हूँ किसी से। तो इस प्रकार से मेरी थोड़ी थोड़ी शर्म हटनी स्टार्ट हो गई। फिर धीरे धीरे करके
मेरा जो फ्रंट कैमरा वो थोड़ा खराब हो गया, पर तब तक आई थिंक मैं सीख गया था कि मेरे को कैमरे पर कैसे बात करनी है। तो इसलिए आपको भी यही करना, अगर आप टेक वीडियो बनाना चाहते हैं या व्लॉग्स बनाना चाहते हैं, चलो व्लॉग साइड पर रखो वो मैं अभी बताता हूँ। तो जब टेक वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फ्रंट कैमरा अपना ऑन कर लो, ठीक है। फ्रंट कैमरा ओपन करने के बाद लगा दिया फोन साइड पर, बस हो जाओ स्टार्ट। कोई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, एक साधारण सा ट्राइपॉड है मेरे पास, वो भी मैंने 170 रुपए का खरीदा था, वो भी ऑनलाइन मैंने मीशो से मंगवाया था, प्रमोशन नहीं कर रहा मीशो वालों, तो मैंने 170 रुपए का ये मंगवाया था, तो उसी को पकड़ के बस वीडियो बनाते हैं। आज देखो मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को नहीं पता फ्रंट में क्या चल रहा है, मेरी शक्ल आ भी रही कि नहीं, बट मेरे को पता आ रही होगी। तो इसीलिए जब टेक वीडियो बनाओ तो फ्रंट कैमरा ऑन कर लो, बस ऐसा समझो कि आप लाइव हुए हो और आप किसी के कमेंटों का रिप्लाई दे रहे हो। और हाँ, ये नहीं कि आप सच्ची में रिप्लाई देने लग पड़ो, भाई जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो, जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो उस पर ध्यान दो। और अगली टिप ये, अगर आप व्लॉग शूट करने जाते हो तो भाई अपने मोहल्ले वालों से थोड़ा बच के, नए नए जब हो, नए नए अगर आप वीडियो शूट करते हो ऐसे करो जैसे मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं आज घूमने, तो मैं और अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते, देखो तो समझ रहे हो कुछ बात, इस प्रकार की बात समझा रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आप रोड पर भी जा रहे हो ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है, फोन को नीचे कर लो, किसको पता लग रहा है कि क्या कर रहे हो। मैं अभी तो ये करता हूँ, मेरी कई वीडियोस देखना व्लॉगिंग चैनल पर, शुरुआती दौर में देखना, आपको शुरुआत में तो चलो दिख जाएगा कि हाँ मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे मैं छत पर घूम रहा हूँ, ठीक है, तो लगेगा कि काफ़ी मैं एनर्जेटिक मैं बोल रहा हूँ उस वीडियोज़ में भी, बट मेरे को भाई मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे को तो एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया यूट्यूब पर। अब देखो, अब मैं वहाँ से उठकर यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ, ठीक है, बस व्लॉग शूट कर रहे हो तो ऐसे बोलना मौसम बढ़िया हो रहा है, बादल बढ़िया हो रहा है, एकदम मस्त झकास बस घूम फिर रहे हैं। और भाई अगर रोड पर जा रहे हो, अपने मोहल्ले से बचकर चलो, अगर मोहल्ले से वीडियो बना रहे हो मोहल्ले वाले देखेंगे, कहेंगे भाई ये क्या कर रहा है, पागल हो गया, फोन में अकेले बातें करी जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप मोहल्ले से बाहर निकल जाओगे ना, वहाँ आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, मैं मोहल्ले में नहीं वीडियो बनाते जाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ जाके बाहर, ठीक है। तो जैसे कि अब मोहल्ले से बाहर निकल जाओ, ऐसी जगह मतलब कि जहाँ पर आपको लोग जानते ना हो, ठीक है, ऐसी जगह चले जाओ। और क्या, रोड पे जा रहे हो ऐसे ही वगैरह, हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आए यहाँ घूमने फिरने, ऐसे वगैरह कुछ बोलना है बस अपनी धुन में बोली जाओ, गाली वगैरह मत देने लगना, बाम में धक्के मार के निकाल देगा यूट्यूब। तो दोस्तों, मैं यही आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ कि अगर कैमरे के सामने आपको बोलना है ना, तो सबसे पहले तो आपको शर्माना बंद करना होगा, बिल्कुल बेशरम बन जाओ। ये मत सोचो आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, ये हमारा काम है, ठीक है, ये अपना काम है, तुम अपना काम है, तुम अपना काम करो। पर मैंने एक बार नोटिस की, कोई ध्यान नहीं देता बाहर, ठीक है। अगर आप किसी और मोहल्ले में चले जाओगे जहाँ आपको कोई नहीं जानता, वहाँ कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। जिसको पता यूट्यूब बना रहे हैं वो खुद आपको बोलेगा, हेलो सर कैसे हो, यूट्यूबर हो, हाँ जी यूट्यूबर, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो यही टिप देना चाहूँगा, अगर व्लॉग्स बनाना चाहते हो तो बाहर निकल जाओ, बस सीधी बात। मेरे को पता लग रहा होगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हो, मेरे को नहीं पता आप समझ रहे हो कि नहीं समझ, बट मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं बातों में आपको समझा गया कि आपको कैसे वीडियो शूट करनी है। बाकी समझ लगी ना, शर्माना वगैरह नहीं, बेशरम बन जाने का, मैं भी बेशरम बन गया हूँ। पर एक बात बताओ सच्ची सच्ची, कई बार मेरे को भी शर्म आने लग पड़ती है सच्ची में, क्योंकि जब मोहल्ले वाले मेरे को देखते ना, क्यों कर रहा, मेरे तो आधे से ज़्यादा मोहल्ले ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, इसलिए मेरे को तो नहीं कोई बोलता। क्योंकि जब एक बार इंसान का स्टैंडर्ड बन जाता है ना, लोगों को पता कि भाई ये काम करता है, तो भाई तुम जहाँ मर्जी चले जाओ वीडियो शूट करते, कोई तुम्हें घूरने वाला नहीं, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी यही है, लोग तो टिप्स देते हैं, लाइव हो जाओ, ये कर लो, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दो। भाई जिस दिन तुम फेमस होगे ना यूट्यूब पर, उस दिन लोगों का कमेंट्स का आंसर तुम ही दोगे। मेरे को देखो, मेरे कमेंट्स आते कि नहीं, मैं रिप्लाई देता हूँ, वाह मजा, इसको कहते खुशी। और बात रही इक्विपमेंट्स की, कोई इक्विपमेंट्स की लोड नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर व्लॉग शूट करते तो बस एक छोटी सी डंडी, वैसे तो आपका हाथ ही काफ़ी है फ़ोन को इस प्रकार से पकड़ने का, इस प्रकार से स्टार्ट हो जाओ। सो हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं घूमने, अरे हाँ हाँ हेलो फ्रेंड्स, हाँ यहाँ आए हैं घूमने फिरने, देखो ऐसे कर रहे हैं, बस अपनी मस्ती में धुन में घूम रहे हो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया से हमें क्या लेना देना है, अकेले आए थे अकेले जाएंगे।
कुछ ज्यादा हो गया। तो बाकी आई होप कि आप लोगों को मेरे समझ में लग गई होगी बात, ठीक है ना। शर्माना बिल्कुल नहीं है, बस अगर घर में वीडियो बनाना चाहे तो टेक वीडियोस बनाओ भाई, फ्रंट कैमरा ऑन कर लो, बस बनाओ, आपको ऐसा फील होगा, देखना ट्राई करके ऐसा फील होगा कि आप अपने दोस्त यार दोस्त से किसी से बात कर रहे हो, बस ऐसे ही भाई वीडियोस बनती है अगर यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। तो बाकी आई होप कि आप लोगों को मेरी समझ में आई होगी बात कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर करना कि मैंने अच्छी दी ना टिप आपको, बढ़िया एकदम मस्त समझ में आ गई ना। बस मैं ज़्यादा टाल मटोल करता ही नहीं हूँ, बाकी मिलते हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस में, तो चलो।